जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आपके ब्लूटूथ में येलो एरर आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का दो तरीका है। या तो आप है सो अपने ब्लूटूथ ड्राइवर को अपडेट कर दें, या फिर आप न्यू वर्जन के ब्लूटूथ ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें तो यह जो प्रॉब्लम है यह फिक्स हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि आप जो है न्यू वर्जन के ब्लूटूथ ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने ब्लूटूथ ड्राइवर को अपडेट करके इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसके बाद इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कंप्यूटर में राइट क्लिक करना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ का जो ड्राइवर है यहाँ पे देख सकते हैं येलो एरर आ रहा है। जब तक आप इस एरर को फिक्स नहीं करेंगे तब तक आप है सो अपने कंप्यूटर में ब्लूटूथ को नहीं चला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसको अपडेट करके फिक्स करने वाला हूं। तो अपडेट करने से पहले आपको जो है इसके ड्राइवर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं इंटेल प्रोसेसर का डाउनलोड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा। यदि आपका जो प्रोसेसर है वो AMD राइजन का है या आप अडाप्टर लगा के ब्लूटूथ चलाते हैं, तीन दोनों का जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ड्राइवर को कहां से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिलहाल मैं इंटेल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है कि इन सारे चीज़ को हटा देना है। सबसे पहले हटाने के बाद आपको करना क्या है कि अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है intel.com, ये लिख के आपको इंटर कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटेल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड सेंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह खुलेगा तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है ब्लूटूथ BLUETOOTH, उसके बाद लिखना है ड्राइवर, उसके बाद इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे खुल रहा है, तो खुलने दीजिए, खुल गया। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 32 रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो और जितना भी बीट हो उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे मेरा विंडोज 7 32 बीट है तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चार दिखा रहा है तो चारों में से किसको डाउनलोड करना है, सबसे ऊपर वाला को, तो इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, ये तुरंत खुल जाएगा, खुल गया। उसके बाद यहाँ पे भी दो दिखा रहा है तो किसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप पढ़िए। यहाँ पे फिर बता रहा है कि यहाँ पे 32 बिट का दिखा रहा है, नीचे 64 बिट का दिखा रहा है। तो आपका जितना भी बिट है आप उतना ही डाउनलोड करें, उसी को डाउनलोड करें। जैसे मेरा 32 है तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ से काट भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ 3 डॉट में क्लिक कीजिए, डाउनलोड में क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो होने दीजिए डाउनलोड। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सो इन फोल्डर में क्लिक कर देना। उसके बाद ये बता देगा जहाँ भी सेव हुआ रहेगा, तो देखिए यहाँ पे सेव हुआ है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको मिनिमाइज करना। उसके बाद डेस्कटॉप पे आके डेस्कटॉप पे आप कीजिए क्या कि एक फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर बनाने के बाद इस फोल्डर का आप कुछ नाम दे दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ, अपना ही नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने रियांश लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसको। उसके बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैनेज में क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद कुछ इस तरह खुलेगा तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है डिवाइस मैनेजर में। यहाँ पे आपका जो ब्लूटूथ का ड्राइवर है वो दिखा देगा। तो इस ब्लूटूथ के ड्राइवर में आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे वाले में क्लिक करना है, ब्राउज में। ठीक है, ब्राउज माई कंप्यूटर, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो डेस्कटॉप में सेव किया था, जो मैंने सेव किया है, उसको यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से उस फोल्डर को फाइंड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे है, मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव किया था, तो देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको पहले डेस्कटॉप में क्लिक कर देना है ऊपर में, ताकि आपका डेस्कटॉप का जितना भी फोल्डर है सारा दिखा दे। तो उसके बाद आप फोल्डर को फाइंड कर लीजिए। देखिए मेरा यहाँ पे है, जो मैंने रियांश नाम से सेव किया था। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करके ओके कर देना है।
तो मेरा जो ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना, तुरंत अपडेट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत अपडेट हो गया है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करने के टाइम ही इसको अपडेट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ टाइम भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। तो अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो एरर आ रहा था वो आ ही रहा, अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप करना क्या पड़ेगा, मैंने तो इसको अपडेट कर दिया। उसके बाद आप है सो अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं जल्दी से रीस्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि ये फिक्स होता है कि नहीं। तो मेरा जो कंप्यूटर है ये रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं जाके देखता हूँ कि वो जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ब्लूटूथ पे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो येलो एरर आ रहा था वो भाग गया है, यानी कि वो जो येलो एरर आ रहा था वो फिक्स हो गया। और यहाँ पर भी नीचे टास्क बार में भी देख सकते हैं ब्लूटूथ का आइकन आ गया है। यहाँ पे सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखा भी रहा है, यानी कि मेरा जो ब्लूटूथ का एरर है वो फिक्स हो गया। उसके बाद मैं अपने ब्लूटूथ के थ्रू से जो भी करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। तो इसी तरह आप है सो अपने ब्लूटूथ ड्राइवर को अपडेट करके या फिर न्यू वर्जन के ब्लूटूथ ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।